पंजाब राउंडअप की ओर। गिदड़बाहा में 34 साल के युवक की नशे के ओवरडोज से मौत हो गई। दरअसल विक्की कुमार काफी समय से नशा कर रहा था, जिसके बाद नशे के ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भटिंडा में CIA पुलिस ने दरअसल गैंगस्टर लाली को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गैंगस्टर लाली की काफी दिनों से तलाश थी। वहीं गैंगस्टर लाली पर हत्या, लूट समेत कई मामले पहले भी दर्ज हैं और वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटकपुरा में एक सिख युवक पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई। वहीं आपको बता दें कि हादसे में युवक का प्रिंसिपाल बाल बाल बचा। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमृतसर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक श्री हरमंदर साहिब से मोटरसाइकिल चोरी किया करता था। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 बाइक भी बरामद की है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फाजिलका में पुलिस ने अवैध रूप से घरों में चल रही शराब के कारोबारियों पर छापेमारी की। पुलिस ने घरों से 2400 लीटर अवैध शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मलेरकोटला में मोटिवेटर यूनियन का धरना प्रदर्शन जो था वो पिछले 20 दिनों से जारी है। कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। खन्ना में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 32 बोर की पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 बदमाशों को यूपी के रहने वाले, काफी समय से पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। खन्ना पुलिस ने शराब तस्करों पर सुबह 5 बजे ही छापेमारी कर तस्करों में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस दौरान अवैध शराब को जब्त करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पटियाला की बड़ी नदी का पानी स्तर से बढ़ जाने के बाद अब आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। बता दें आपको कि दरअसल बीते दिन गोपाल कॉलोनी के घरों के पानी भरने के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं पटियाला निवासियों का कहना है कि प्रशासन के सही इंतजाम के बाद स्थिति अब काबू में है। खन्ना पुलिस ने शराब तस्करों पर सुबह 5 बजे ही छापेमारी कर तस्करों में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और वहीं पुलिस ने इस दौरान अवैध शराब को जब्त करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोटकपुरा बाईपास पर टाटा 407 ट्रक और साथ ही आवारा सांड की हुई टक्कर। हादसे में आवारा सांड की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कपूरथला में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 260 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्वारेवाला गोलीकांड के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर श्री मुक्तसर साहिब में लोगों को धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी यहां पर जारी है। लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। वहीं लोगों ने कहा है कि अगर मामले में जल्द दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो फिर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रोपड़ में नियमों का उल्लंघन करने पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक चैरिटेबल अस्पताल में चल रही 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सीज कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। दरअसल चेकिंग के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि मशीनों को दूसरी जगह लाया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। रोपड़ पुलिस की तरफ से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लोग सड़क के किनारे गाड़ियों को पार्क कर देते हैं, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और चलिए इसी के साथ पंजाब के खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको वायरल वीडियो के साथ। Oh, snap. Scottish Highland Calves. Look at me, I can open the gate.
दिस इज द थग लाइफ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।